गुड मॉर्निंग एवरीवन, यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पिछली क्लास में हम लोग आर्ट ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को समझे थे, और आज हम लोग समझेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, यानी कि परख नली शिशु क्या होता है। कुछ स्त्री ऐसी होती है जो कि अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है, लेकिन कि उसे बच्चा होता नहीं है, उसके शरीर में कुछ गड़बड़ी रहता है जिस वजह से वह गर्भधारण नहीं कर पाती है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अब गड़बड़ी कई तरह का हो सकता है। हो सकता है कि उस स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ी हो। फैलोपियन ट्यूब में किस तरह का गड़बड़ी हो सकता है? तो हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब कुछ ज़्यादा ही मुड़ा हुआ हो और इस वजह से ओवम को पास करने में दिक्कत हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, यानी कि वो बंद हो, जिसके वजह से स्पर्म और ओवम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ ही नहीं पा रहा है, या फिर हो सकता है कि उस स्त्री के मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ परेशानी हो, ओवरी में कुछ परेशानी हो, ओवम ही नहीं बन पा रहा हो, कई तरह का परेशानी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उस स्त्री के पति में भी कुछ परेशानी हो, यानी कि उसके पति में यदि स्पर्म बहुत कम बन रहा है, उसका स्पर्म अगर इनएक्टिव टाइप का है, तो फिर उस स्त्री को संतान नहीं हो पाता है। जो भी हो, सीधी सी बात है कि कोई स्त्री है जो कि अपने पति के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में लगातार इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन फिर भी उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, वो गर्भधारण नहीं कर पा रही है, अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, तो ऐसी स्त्री के लिए ये टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड एक वरदान साबित होता है। यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड के द्वारा इस तरह की स्त्री को भी संतान हो सकता है। तो अब हम लोग समझते हैं एक तरफ से कि आखिर टेस्ट ट्यूब बेबी किस तरह से जन्म लेता है। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं कि एक मेल है, ठीक है, और एक फीमेल है, दोनों पति पत्नी हैं, और इसी को बच्चा चाहिए, लेकिन कि बच्चा हो नहीं रहा है। तो हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर भी बना देते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सिंपल सा फिगर। यहाँ फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये है यूट्रस, और यहाँ ये है वजीना, ठीक है। तो जिस फीमेल को बेबी चाहिए, डॉक्टर क्या करेगा, उसके ओवरी से ओभम को बाहर निकाल लेता है। डॉक्टर उसके ओवरी से ओभम को बाहर निकाल लेता है। तो यहाँ पर एक बर्तन है, और इसमें एक ऐसा मीडियम तैयार किया जाता है, जिस तरह का मीडियम फैलोपियन ट्यूब में रहता है ना, जिस तरह का वातावरण फैलोपियन ट्यूब में रहता है, उसी तरह का वातावरण एक बर्तन में तैयार किया जाता है। और यहाँ पर उसका एक ओभम ले लिया गया, यहाँ ओभम है, और एक्चुअली जब यहाँ से ओभम को निकाला जाता है, तो वो एक से अधिक ओभम को निकाला जाता है, यानी कि कुछ हार्मोन का इंजेक्शन दे करके इस फीमेल में एक से अधिक ओभम को मेच्योर किया जाता है। और जब वहाँ से ओभम को निकाला जाएगा, अभी हम बताएंगे उसके स्टेप को बताएंगे कि किस तरह से निकाला जाता है, जब ओभम को निकाला जाता है तो एक से अधिक ओभम को निकाल लिया जाता है, यानी कि एक से अधिक ओभम वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद ये जो मेल है, इस मेल से स्पर्म लिया जाता है। स्पर्म तो काफ़ी ज़्यादा निकलता है। अब मेल के स्पर्म को एक पहले टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में, यहाँ पर बहुत सारा स्पर्म है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में रखा गया, और इस स्पर्म का पहले कैपेसिटेशन कर दिया जाता है, मतलब इस स्पर्म को एक्टिव बना दिया जाता है। इसके बाद इस स्पर्म को छोड़ दिया जाता है ओभम के पास। तो जैसे स्पर्म को ओभम के पास छोड़ा जाएगा, तो ये जो स्पर्म है, ये धीरे धीरे ओभम से जा करके जुड़ेगा। तो जैसे ही कुछ स्पर्म है, कुछ ओभम है, स्पर्म धीरे धीरे ओभम से जा करके जुड़ता है, फर्टिलाइजेशन हुआ। इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, IVF, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब हम बॉडी के बाहर प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन कराते हैं,
तो ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर कुछ जायगोट बन गया, जैसा कि फिगर में दिखाई पड़ रहा है कि 3 ओवम और 3 स्पर्म उसे जा करके जुड़ा, तो फिर 3 जायगोट बन जाएगा। अब धीरे धीरे जायगोट से इम्ब्रायो बनना शुरू होगा, तो जैसे वो इम्ब्रायो बनना शुरू होगा तो अगर यहाँ पर जैसे फिगर में 3 ओवम है, 3 बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो 3 जायगोट बनेगा, 3 जायगोट से 3 इम्ब्रायो बनेगा। अब उस 3 इम्ब्रायो में से कुछ इम्ब्रायो होगा जो कि ज़्यादा हेल्दी होगा और कुछ इम्ब्रायो होगा जो कि थोड़ा कम हेल्दी होगा, यानी कि कुछ बेहतर क्वालिटी का इम्ब्रायो होगा और कुछ वो लो क्वालिटी का इम्ब्रायो होगा। तो डॉक्टर इस चीज़ का जांच कर सकता है कि कौन ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का इम्ब्रायो है और कौन बेस्ट क्वालिटी का इम्ब्रायो नहीं है। अब फीमेल बॉडी में डाला तो जाएगा केवल एक ही इम्ब्रायो को, ठीक है, फीमेल बॉडी में एक ही इम्ब्रायो को डाला जाएगा, तो डॉक्टर इस बात को तय करता है कि कौन सा इम्ब्रायो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का है। जो बेहतर क्वालिटी का इम्ब्रायो होगा उस इम्ब्रायो को जैसे ये बेहतर क्वालिटी का इम्ब्रायो है, उस इम्ब्रायो को फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पिछली क्लास में हम बताए थे कि यदि इम्ब्रायो में 8 सेल्स मौजूद है तो इस तरह के इम्ब्रायो को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाया जाता है, और यदि इम्ब्रायो में 8 से ज़्यादा सेल्स बन चुका है तो फिर उस इम्ब्रायो को फीमेल के यूट्रस तक पहुंचाया जाता है। तो माना कि फीमेल के यूट्रस तक ही इम्ब्रायो को पहुंचाया गया, ये इम्ब्रायो है और यूट्रस तक इसको पहुंचाया गया, तो जैसे यूट्रस तक पहुंचाया जाएगा तो फिर ये इम्ब्रायो धीरे धीरे इंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा, यानी इम्प्लांटेशन प्रोसेस संपन्न होगा, यानी कि ये जो इम्ब्रायो है यह इंडोमेट्रियम में जा करके धस जाएगा, और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है गेस्टेशन पीरियड। अब जैसे जैसे समय बीतते जाता है इस इम्ब्रायो का डेवलपमेंट लगातार होते जाएगा। इस इम्ब्रायो का डेवलपमेंट नॉर्मल तरीके से होता है, इस इम्ब्रायो का डेवलपमेंट नॉर्मल तरीके से होगा, गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाएगा, यानी कि वो 9 मंथ पूरा हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर एक बेबी का निर्माण हो जाएगा और ये जो बेबी है 9 मंथ के बाद फिर यहाँ से जन्म लेगा। तो फिर जो जन्म लेने वाला बेबी होगा ना, उसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, यही बेबी कहलाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा बच्चा प्रयोगशाला में ही तैयार किया गया, नहीं, ऐसा नहीं समझना है। टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड में केवल फर्टिलाइजेशन कराया जाता है बॉडी के बाहर, बच्चे का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, इम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट है वह फीमेल के बॉडी के अंदर नॉर्मल तरीके से ही होता है, जैसे कि नॉर्मली होता है ना, माँ के पेट में जो बच्चा तैयार होता है तो उसी तरह से बच्चा तैयार होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर में हुआ रहता है, लेकिन ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड है इसके लिए फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है बॉडी के बाहर प्रयोगशाला में, और फिर बनने वाले इम्ब्रायो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फीमेल के बॉडी में, और फिर नॉर्मल तरीके से इस इम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, 9 मंथ के बाद बच्चे का जन्म हो जाएगा और ये बच्चा कहलाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी को हम लोग और डिटेल्स में समझते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF तकनीक से जन्म लेने वाले शिशु को ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, यानी कि अगर बॉडी के बाहर में फर्टिलाइजेशन होता है और फिर उस इम्ब्रायो को हम फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस तरह से जो बच्चे का जन्म होता है उसी को हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो स्टेप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड में कौन कौन सा स्टेप यूज किया जाता है उसको हम लोग थोड़ा सा एक चरणबद्ध तरीके से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकना, यानी कि जिसके साथ हम टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड का यूज करने वाले हैं, यानी कि जिस फीमेल को इस विधि से बेबी चाहिए, सबसे पहला काम कुछ ऐसा इंजेक्शन उस फीमेल को दिया जाता है जिससे कि उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए। यदि लगातार मेंस्ट्रुअल साइकिल होते रहता है ना तो फिर बेबी नहीं बन सकता है,
और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर रुक जाएगा तो फिर बेबी बनने का संभावना बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है फीमेल को जिससे कि उसमें 2-3 सप्ताह के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल रुक जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोका जाता है सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या है, 1 से अधिक ओवम का ओव्यूलेशन कराना, मतलब कुछ ऐसा हार्मोन का इंजेक्शन जैसे LH हार्मोन का इंजेक्शन इस फीमेल को दे दिया जाता है, उससे एक साथ 1 से अधिक ओवम मेच्योर हो जाता है। तो 1 से अधिक ओवम इसके ओवरी में मेच्योर हो जाता है। तो LH हार्मोन जैसे दिया जाएगा तो उसका काम है ओवम को मेच्योर करना। तो चूंकि हार्मोन बाहर से डाल दिए हैं इसलिए वो हार्मोन 1 से ज़्यादा ओवम को मेच्योर कर देता है, ठीक। इसके बाद है थर्ड स्टेप, 1 से अधिक ओवम को ओवरी से बाहर निकालना। तो अब ओवरी से ओवम को बाहर निकालना है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है, तो इसका तरीका ये है कि एक बहुत ही पतला सा पाइप, बहुत ही पतला सा ट्यूब लाइक पाइप होता है जिसको फीमेल के वजीना में डाला जाता है, फीमेल के वजीना में डाला गया और वजीना के दीवार में एक छोटा सा छेद करते हुए, वजीना के दीवार में एक छोटा सा छेद करते हुए उस पाइप को पहुंचा दिया जाता है ओवरी के अंदर। क्या बताए कि वजीना में एक छोटा पतला सा पाइप डाला जाता है और वजीना के दीवार में हल्का सा छेद करते हुए उस पाइप को पहुंचा दिया जाता है ओवरी के अंदर और वहां से ओवरी के अंदर के कंटेंट को खींच लिया जाता है। तो जिससे ओवरी के कंटेंट को खींचा जाएगा तो उसके साथ साथ ओभम भी आ जाएगा और चूंकि ओवरी में 1 से ज़्यादा ओभम मेच्योर हो चुका है तो इसके साथ 1 से ज़्यादा ओभम भी बाहर निकल जाता है। तो ओभम को बाहर निकाल लिया गया, इसके आगे देखते हैं कि क्या है। इसके बाद है फोर्थ स्टेप, फर्टिलाइजेशन कराना, यानी कि वो IVF कराना। तो IVF में क्या होता है कि मेल से स्पर्म को लिया गया, स्पर्म को एक्टिव बना दिया गया, स्पर्म को फिर ओभम के पास छोड़ दिया गया, धीरे धीरे स्पर्म उस ओभम के अंदर में प्रवेश कर जाएगा यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। क्योंकि बॉडी के बाहर प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, IVF बोलेंगे। तो जैसे IVF हुआ पहले जायगोट बनेगा, धीरे धीरे जायगोट से एम्ब्रायो बन जाएगा, ठीक। तो 1 से ज़्यादा जायगोट, 1 से ज़्यादा एम्ब्रायो बन गया है। अब आगे देखते हैं क्या है, यह है फिफ्थ स्टेप, उपयुक्त इम्ब्रायो को यूट्रस में डालना। हम बताए ना कि 1 से ज़्यादा इम्ब्रायो रहता है, कुछ अच्छा क्वालिटी का होता है, कुछ थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है। जो बेहतर क्वालिटी का इम्ब्रायो होता है डॉक्टर उसी इम्ब्रायो को इस फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। अगर इम्ब्रायो में 8 सेल तक है तो फिर उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा, यदि 8 से ज़्यादा सेल हो चुका है तो फिर उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वह इम्ब्रायो उसका इम्प्लांटेशन होगा, एंडोमेट्रियम में जाकर के वो धस जाएगा और यहाँ से गेस्टेशन पीरियड की शुरुआत हो जाती है। 9 मंथ के बाद जो है यहाँ से बेबी जन्म लेगा और यही बेबी कहलाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो जिस स्त्री को संतान नहीं हो रहा था, जिसके बॉडी में फर्टिलाइजेशन सफल नहीं हो पा रहा था और उसको बच्चा नहीं हो रहा था, उसे इस तकनीक द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड के द्वारा उसे भी संतान हो सकता है। हालांकि ये विधि थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, हमेशा ये IVF मेथड जो है ना ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहता है। अगर कोई फीमेल अगर इस तकनीक से बच्चे को जन्म देना चाहती है तो डॉक्टर उससे जो है 3 से 5 बार का वो चांस मांगता है, यानी कि 3 से 5 बार डॉक्टर बोलेगा कि ऐसा गारंटी नहीं है कि एक बार हम आपका वो फर्टिलाइजेशन कराएंगे बाहर में और फिर डाल देंगे तो फिर बेबी हो ही जाएगा। वो ज़्यादा करके संभावना रहता है कि वो फेल कर जाएगा, वो फेल्योर हो जाएगा। जैसे कि एक बार फर्टिलाइजेशन कराया गया, जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र कर दिया गया लेकिन कि फिर भी उसका सही से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है तो फिर बच्चा नष्ट हो जाता है, बच्चे वो प्रेगनेंसी की शुरुआत ही नहीं हो सकी। इसके बाद फिर से ट्राई किया जाएगा, हो सकता है फिर से फेल कर जाए, यानी कि 3 से 5 बार का वो मौका मांगता है और उसके बाद उसी बीच में कोई कोई सफल हो जाता है, कभी कभी 5-5 बार में भी वो सफल नहीं हो सकता है।
तो यह विधि काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। एक बार IVF कराने का कॉस्ट हो सकता है कि वो 40 से 50 हज़ार रुपया लग जाए। अब अगर 5 बार कराना है तो डॉक्टर उस तरह से पैसा का वो डिमांड कर देता है, तो ये विधि काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ GK टाइप का यहाँ पर, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है। इसे हम लोग समझते हैं कि विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी, वर्ल्ड में जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का जो जन्म हुआ था वो कौन थी, तो उसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन एक लड़की थी और इसका जन्म 25 जुलाई 1978 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी। याद रखना है ये सभी बात को, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि 25 जुलाई 1978 ईस्वी को इंग्लैंड में सबसे पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था, वो एक लड़की थी और उसका नाम रखा गया था लुइस जॉय ब्राउन। और इसका जो जन्म हुआ था उसमें 2 डॉक्टर इन्वॉल्व थे। डॉक्टर कौन कौन थे, तो एक पैट्रिक स्टेप्टो और एक थे रॉबर्ट एडवर्ड, यानी कि एक पैट्रिक स्टेप्टो और एक थे रॉबर्ट एडवर्ड, ये डॉक्टर थे और ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। इसके बाद भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी, भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी, तो कनुप्रिया अग्रवाल या फिर इसी का दूसरा नाम था दुर्गा। भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम कनुप्रिया अग्रवाल यानी कि दुर्गा, और इसका जन्म 3 अक्टूबर 1978 ईस्वी को हुआ था। 3 अक्टूबर 1978 ईस्वी को कनुप्रिया अग्रवाल यानी कि दुर्गा नाम की एक लड़की का जन्म टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड के द्वारा हुआ था। और इसका जो जन्म हुआ था तो उसके लिए डॉक्टर जो कार्यरत थे वो थे सुभाष मुखर्जी। तो सुभाष मुखर्जी ने इस बेबी के जन्म में अपना सहयोग दिया था। तो 3 अक्टूबर 1978 ईस्वी को भारत में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। याद रखना है कि पहला टेस्ट ट्यूब बेबी इंग्लैंड में जन्मा था और दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी भारत में जन्मी थी, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म इंग्लैंड में हुआ और सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म इंडिया में हुआ। अब यहाँ पर एक बात और समझना है कि ये जो कनुप्रिया अग्रवाल का जन्म हुआ तो इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं था। कनुप्रिया अग्रवाल का जन्म जरूर हुआ, ये बात सही है, डॉक्टर ने मेहनत किया और इस तरह से इस बात को प्रूफ साबित करके दिखाया, लेकिन कि सरकार के पास इसका सूचना नहीं दिया गया था और कोई ऐसा कोई आंकड़ा, कोई डाटा तैयार करके सरकार को नहीं दिखाया गया था, इसलिए कई सरकार ने इस बात को मानने से इनकार भी किया। और इस वजह से जो डॉक्टर थे सुभाष मुखर्जी, वो कुछ साल के बाद जो है उसने सुसाइड भी कर लिया था, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि भारत की प्रथम साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड टेस्ट ट्यूब बेबी, साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि एक प्रमाणित, एक प्रमाण के साथ जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी उसका नाम है हर्षा चावड़ा, ठीक है। तो हर्षा चावड़ा 6 अगस्त 1986 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था और डॉक्टर थे इंदिरा हिंदुजा। तो डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने अपना मेहनत किया और एक लड़की का ही जन्म हुआ था टेस्ट बेबी मेथड के द्वारा, जिसका नाम था हर्षा चावड़ा और इसका जन्म 6 अगस्त 1986 ईस्वी को हुआ था। तो अब यहाँ पर याद कैसे किया जाएगा, सिंपल सा याद रख लेना है कि वर्ल्ड की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन, भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम, तो हम बोलेंगे कनुप्रिया अग्रवाल या फिर बोलेंगे दुर्गा। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि भारत की प्रथम साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड टेस्ट ट्यूब बेबी जिसका आंकड़ा दिया गया था सरकार को, तो उसका नाम है हर्षा चावड़ा, जिसका जन्म 6 अगस्त 1986 ईस्वी को हुआ था और डॉक्टर थे इंदिरा हिंदुजा। तो अभी हम हटेंगे और ये जो अभी जो भी है इसका स्क्रीनशॉट लेना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका जो एक नोट्स जो है वो तुरंत भी आएगा। और बता दें कि जो पिछला लेक्चर था आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उसमें हम नोट्स नहीं सेट किए थे, तो अभी जो हम हटेंगे तो पहले उसी का नोट्स आएगा, यानी कि पहले आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एक पेज का नोट्स आएगा और उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी का 2 पेज का नोट्स आएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, हम उसको अगले लेक्चर में उसको क्लियर करेंगे या फिर कमेंट में ही उसका आंसर हम दे देंगे, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा सरोगेसी और सरोगेट मदर। सरोगेसी और सरोगेट मदर क्या होता है इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो एक लेक्चर बढ़ गया, हालांकि इसको हम बोले थे कि ये आज लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन कि एक लेक्चर बढ़ चुका है, वो छोटा लेक्चर होगा, 10-15 मिनट का होना चाहिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक मेहनत करते रहना है। ऑल द बेस्ट।